बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं तमाम बहना भाइयों की हाल चाल, उम्मीद करनी है कि ठीक ठाक हो तो, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि असी ठीक ठाक है। जिते रहो उसे मुस्कुराते रहो, सारिया दुआ हमेशा थोड़े नाल हैं, और अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। मेरे सब बहना भाइयों जो बीमार है, अल्लाह पाक उन्होंने शफा दे, और जिन्हों को कारोबार नहीं है उन्होंने कारोबार दे, जिन्हों को नेक औलाद अल्लाह पाक जिन्हों को औलाद नहीं है अल्लाह पाक नेक औलाद दे, अल्लाह पाक सब खुश रखे, आबाद रखे। साढ़े सब बहना भाई अल्लाह पाक अपनी जहमत रखे, और सुबह सुबह का टाइम हैगा अल्लाह पाक की याद करके आज ब्लॉग का करने आगाज, क्योंकि मैं दूसरा ना लगी चाह बना चाह में रख ली हैगी है, और बच्चे जड़े ना वो भी आ जाते हैं। गट्टा जो है काफ़ी सारा है, और दरवाजा तो बगैर ना गट्टा भी अंदर जाता है सीधा, दरवाजे बगैर गट्टा अंदर जाता है। बड़ा खराब हो लिया, सफाई वगैरह माशाल्लाह मैं सारी कर ली है, और जो कपड़े है ना बच्चों के वह भी दो लेने, ईद है सुबह परसों, तो फिर इस वास्ते मैं जो दो दिन पहला कपड़े धो लेने हैं सारे, काफ़ी सारे और तो बच्चों के भी तो अपने भी, हम देखने की करना है काम तो काफ़ी पे होगा, क्योंकि छोटा छोटा काम जोड़ा है ना। हाँ जी, तो माशाल्लाह ना बर्तन वगैरह मैं सारे धो ले और सारे जोड़ भी ले हैं, और जो किचन है ना माशाल्लाह मैं अच्छे तरीके ने सफाई भी कर ली हैगी है सारी कपड़े ना, क्योंकि ये है ना ओपन तो इतने ना ज़्यादा झाड़ झूड़ मारिए ना फिर गट्टा वगैरह काफ़ी आद पै जाता है, और चूल्हा जोड़ा है ना माशाल्लाह साडा ना बहुत ही प्यारा है, तो माशाल्लाह प्यारा भी बड़ा लगता पे। और यह है कि असी जोड़ा ना इन्हों हले चालू नहीं कराया है, क्योंकि साढ़े को सिलेंडर नहीं है, इस वास्ते तो सिलेंडर ला आवेंगे तो इंशाल्लाह फिर पैप लवा के फिर चालू करावे, और सिंक वगैरह जोड़ा है ना माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है, साफ सुथरा मैं कर लिया है, क्यों जो अल्लाह ताला जरा रोजी ये जरा है ना सफाई से भी बहुत खुश होता है, तो इस वास्ते सफाई भी रब की रहमत होती है, मैं खाना तरह इस वास्ते माशाल्लाह तरीके में सुबह सुबह सफाई कर लेने, क्योंकि हम तंदूर का एक बार काम है थोड़ा बहुत इस वास्ते, तो माशाल्लाह ना सफाई देख लो कि प्यारा लगता। हाँ जी, तो माशाल्लाह सी ना आज कपड़े काफ़ी सारे हो इतने धोने नो, मैं चल टूवल तो धोने काफ़ी दिन हो गए टूवल तो कपड़े धोते नहीं, चल बाहर गाँव की सैर भी करने जी, साडे पिंड की सैर दोनों भी खाने ना माशाल्लाह। हाँ जी, कपड़े की बत्ती काट है घर ज्यादा मोटर नहीं चलती है, क्योंकि बत्ती फुल होगा फिर चलती है, मैं मिट्टी रेत वाले कपड़े है। हाँ जी, बत्ती जी साड़ी सिर्फ खड़ी है तकरीबन जी 130 पॉइंट 130 पॉइंट जी बत्ती है, आ देख सकते हो इतनी बत्ती ना काम नहीं देंगे इस वास्ते, तो वो इतनी ना चल नहीं रहे, मोटर नहीं चल दियाँ, मोटर बिल्कुल बंद हो गई है इस वास्ते, क्योंकि वो बिजली पूरी हो तो फिर रात में उसे चला के थोड़ी टैंकी भर ले दी है, तो माशाल्लाह बर्तन धो लें, बाकी इस तरह नहीं ना वो बत्ती चलती नहीं है, क्योंकि बिजली पूरी इतनी होंगी नहीं साढ़े को, तो इस वास्ते मैं एक्चुअल टूवल तो धोने रेत काफ़ी सारी हुई हुई है। हाँ जी, चलो जी चाल टूवल असं बिजली तो पहुँचे आए टूवल ते बेगम साहबा जी आंदे ही पानी पीन लगी है, क्योंकि प्यास बड़ी लग गई ने टुरद्या टुरद्या पानी पीन लग गए, कपड़े लिया के जी रख दिते हम धोन लगे हैं, माशाल्लाह इब्राहिम तो सुफियान अली जड़ा ना वो छेती छेती आ दाल खा के जी देखो क्यों जी फिर नाना इन्ने जी, तो हवा बड़ी माशाल्लाह चली हुई है, हाया गर्म हवा लेकिन गर्मी की वजह तो पानी को ठंडी लगती है। हाँ जी, तो माशाल्लाह बड़िया प्यारिया प्यारिया फसलां जी साडा ते देख सकते हो जी, कपास लगी हुई है जी कुछ रोज़ असी पहले दिन भी खाई है, कुछ दिन वाहवा दिन हो गए छोटी छोटी हैगी सी, हूँ माशाल्लाह जी वो काफ़ी बड़ी हो गई है,
और इन्हों टिंडे वगैरह लग गए जिन्हें नाल पिछू कपास निकलेगी जी, पानी लगे हुआ जी, बड़ी प्यारी सबज सबज लग रही है। इन हूँ रूं बनेगी, रूई बड़ी प्यारी जी, बड़े प्यारे प्यारे फुल भी जी लगे हैं, देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह टिंडे बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए जी, और माशाल्लाह साडा तो जी ना मक्की और दूर दूर तक साडा घर नज़र आता जी, और रोड के उपर जी माशाल्लाह जी। सामने जी रोड नजर आता है, सामने और माशाल्लाह साइडा ते बड़ा प्यारा जहा माहौल जी, ठंडी हवा ते बेगम साहब जी हूँ माशाल्लाह सुफियान अली बड़ा प्यारा वेख रहा जी, पानी दे बहनिया वेखो जी, बुलाओ जी माशाल्लाह। हाँ जी, तो माशाल्लाह मैं ना टप नाल लेके आई हाँ, टप च कपड़े बेक रख ले गए और कुछ एवें पे गए, और जी नाणा वेखो जी, ये जी है ये है जी जट्टे माहौल का ना नहाना, ये वड्डा शावर है जी साढ़े वास्ते तो, ते माशाल्लाह बच्चे वेखो किन्ने खुश है, और बच्चे ना किसी शहर या पार्क पूर्क जाने नालों ना इतने बहुत खुश होंगे, क्योंकि देसी जो माहौल है खुला, क्योंकि इतने कोई चीज़ भी नहीं नेड़े होंगी हैगी, देखो कोई चीज़ कोई बंदा नहीं हों, भाई और चला के आप चले जाते हैं, और इतने कोई चीज़ नहीं हैगी साढ़ा तो ना कोई बंदा ना कोई और कोई भी कोई नहीं, और बच्चे जड़े है ना बड़े खुश होकर नहाते पे, और जी गर्मी है ना गर्मी काफ़ी हैगी, इतने बंदा आके नहा लेना कुछ सुकून रहा है, तो सुफियान अली इब्राहिम उन्होंने कोई डर नहीं है, वो खुले ऐश नहाते पैन, और जरा मैं हैगी ना हम मैं तो इतने बह के कपड़े धोवगी, क्योंकि छापर मैं लाया तो छापर पछा के ना फिर कपड़े धोई दे ना इस वास्ते है तो थोड़े जी मैं चलो धो लें, दरख्त की छां भी हैगी पानी भी इन्ना ज़्यादा ठंडा है कि जिस तरीके फ्रिज का होंगे। हाँ जी, तो हूँ धोने कपड़े कपड़े काफ़ी सारे धो रहे हैं देख सकते हो, तो बाकी एक चादर आई ये भी धोन लगे हैं, कुछ जड़े ना और कपड़े धो के उत्थे नाल पा दिते, क्योंकि साफ पानी ना उधर धोवे इतने जड़ा ना, बाकी इस तरीके क्योंकि मशीन तो होंगी तो फिर आसानी हो जाए, इतने पानी खुले ना फिर धोने पैदे उ घर में बड़े कपड़े धोते नहीं जाते ना, मशीन वगैरह में तो फिर धोप जाने, अल्लाह ताला करम कर सी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे काम अल्लाह पाक दे हुक्म ना हो जाने। हाँ जी, सारे माशाल्लाह कपड़े में धो लिया, सिर्फ चादर रह गई है, चादर धो के ना फिर चलने घर, आज तो अपने शहर भी दिखाना है, इंशाल्लाह नाल रहना है, आज लगे हुए हैं जी हफ्ता बाजार, वो फिर थोड़ी डिस्काउंट चीज़ा मिल जाती है बाजार ना रहा था, असं अगर उसे जावे तो कुछ बच्चों की चीज़ा रही है, और चप्पल जी जुटी है वो नहीं है, वो लाया वागे उन्होंने वास्ते, तो ना कुछ छोटी छोटी चीज़ा बच्चियों वास्ते भी लैनी है, चूड़िया वगैरह उन्होंने भी लाया वागे। हाँ जी, तो माशाल्लाह असं आ गए घर, और इब्राहिम भी ना ना के आ गया है, नाता है, और कपड़े माशाल्लाह मैं काफ़ी सारे किसी धो लिया, ये हूँ मैं चल के उत्ते पानी हूँ सुकने, तो फिर वेखने है। हाँ जी, तो माशाल्लाह असं घर पहुँच आए हैं, तो कपड़े जड़े ना बेगम साहब आज धो के सारे लैन दें, और नाल नाल जी साड़ा तो पा रहे हैं। हाँ जी, सामने टूबा जी तुम धो लिया, इतों करीब महसूस होंगे जी, सामने खड़ा खेतों में जाइए सामने सामने धो के वापस आ जाइए, और माशाल्लाह सारे ही दुख, और तू वेठा वग जा धुप नहीं लगती पी तेनू सही हो गया, चलो आज थले धुप बड़ी है। हाँ जी, तो माशाल्लाह जरा ना तो सुख भी जल्दी जावे,
फिर थोड़ी देर तक ला लवेंगे क्योंकि जो मोटे मोटे हैं ना। चप्पल जुत्ती मैं सैंडल वगैरह नहीं लिया के देने, सिर्फ उन्होंने चप्पल जुत्ती लिया देना क्योंकि फिर ईद तो बाद भी पाई रखे। इस वास्ते हम चलने शहर से जी बच्चा बच्चिया छोटिया मारिया उन्होंने चूड़िया भी लैनिया है वो भी ला आऊंगी क्योंकि जो हफ्ता बाजार है ना वो कुछ डिस्काउंट लगता है तो वह ना फिर चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। उतो मैं ना बच्चियों वास्ते कुछ चूड़ियाँ चाड़ी भी ला लवानी और इन्होंने जुतियाँ और दुपट्टा तो कुछ चीज़ मेहनत मुंदी बच्चों जोड़ी कुछ चीज़ आदि सानू तो याद ही कोई नहीं है हूँ क्योंकि असं भी बचपन इस तरह करते और बच्चे जड़े ना हूँ कहते पे सू चूड़ियाँ लिया दो तो आशा लिया काफ़ी रश वगैरह होता है। असलाम वालेकुम यार हाँ माशाल्लाह जी अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। हाँ जी तो माशाल्लाह कपड़े वगैरह बेगम साहिबा लैन चली है हाँ मसेरा जुतियाँ दे इब्राहिम और वास्ते इब्राहिम और वास्ते जुतियाँ छोटियाँ दे माई दो जुतियाँ। हाँ जी तो माशाल्लाह जुतियाँ खरीद रहे हैं बच्चों वास्ते काफ़ी सारिया पड़ियाँ पसंद आदि बच्चों वास्ते छोटियाँ देख लेंगे तो नूर फातिमा तो मारिया वास्ते लेनिया वो बाद लवेंगे क्योंकि इतने अली गुंजाइश नहीं है तो माशाल्लाह अल्लाह तआला करेगा तो इंशाल्लाह। दुपट्टा बच्ची वास्ते दुपट्टा लैन लगे हाँ जी इस कमीज के नाल दा काफ़ी सारे पैसे तो भाई को जो ना भाई गुस्सा कर रहे हैं 20 रुपये कमाने तू 36 गल्ला सड़ा आती है। हां जी माशाल्लाह और जाएगा और बहुत ही ज्यादा रश है किसी चीज तो चाहिए तो नहीं मिली लेकिन जड़ा कुछ थोड़ा बहुत मिल गया है वो से लेके आ गए हैं जी एस्ट्रोनॉम मिल गया है इस तरह का वो भी लेके आ गई हैं और मेरे को ना चादर नहीं सी आई लेने वास्ते तो मैं एक चादर भी लेके आ गई हूं नूर फातिमा का और एक थोड़िया जी चूड़ियाँ लिया क्योंकि रश बहुत ज्यादा है और गर्मी बहुत सी मेरे को इन्ना देर ना खलोता नहीं गया है तो इन चीजा मैं लिया कोई नहीं और आ एक स्टोलर लिया है वो दूसरा ना मैं नहीं आख दी इन्होंने मैं चप्पल जुतियाँ लिया के दीदी है ना आ देखो इन्हें भी हल्की जी लिया के दी हल्की जी जी घर पाई दस ईद तो भी पा लेना इतने जरा भी कोई है शहर बने हुए हैं जितने ईद होनी है बस थोड़ी बहुत होनी है चलो कुछ ये पा लवेंगे जितने सफेद लिया रख के अंदर और मैं ना एक चादर लिया गई अपने वास्ते क्योंकि चादर नहीं सी है मेरे कोई भी जो बहर अंदर कितने जाना पै जाता क्योंकि मैं कद चादर तो बगैर ना बहर नहीं गई हैगी चलो घर से तो बंद कपट कुटा ला लेंदा है और चादर तो बगैर नहीं सरदा से मेरा इस वास्ते मैं चादर भी लैके आ गई क्योंकि साढ़ा आटा भी खत्म होया हुआ सी आटा भी हम लैके आ गए और सब्जी भी लैके आ गए हम बनाने सब्जी तो रोटी सारे पकाने तंदूरी की तो बहुत ही तंगी बनी है पर अजी गर्मी बड़ी उनका वक्त बहुत सारा है तो मेरे को एक बार ना तंदूरी नहीं लगती पई तो इस वास्तु सुखिया सुखिया रोटियां भी बस करनी पैंती है तो फिर वेखा के बाद ईद तो बाद टाइम मिले तो फिर लावे तंदूरी भी छत उपर लानी है तो वेखा फिर कितने लगनी है तो कितने नहीं सब्जी जी बनानी है असी आलू मैं चलो बना लें क्योंकि मसाला मैं बना लिया है और आलू नाल बना के ना मसाला चलो बना लें जोड़ के हेल्प हो जाए सब्जी बना ली मैं अलहमदुल्ला हम थोड़ा बहुत प्लास्टर कर देना बिस्तर का सौंपे इतने गिले हो गया अंदर ना बिल चली हुई है
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਰ ਫਿਰ ਪੈਨ ਪੈਨ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਤਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਕ ਗਏ ਚਲੋ ਇਤਨਾ ਗਿਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਿਸਤਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਰਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਇਤਨੀ ਹੈਲਪ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਬਣਾਉਣ ਸਾਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਾ ਗੁੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਪਕਾ ਲਈ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਨੇ ਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੁਟੀਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਪਕਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਸਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਵੇ 'ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਵੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੰਦੂਰੀ ਧੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗਾਵਾਂਗੇ ਭਿਗੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸੁਬਹਾ ਵਾਣ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੰਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਚਨ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਟੀਨ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਿਲਾ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਤੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਐਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਗਲਾਸ ਕੌਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜੈਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਸਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸੀ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੀ ਐਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਬਹਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਸੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਦੁਆ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ ਔਰ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।